Hello friends, this is Jyoti. Welcome back to my channel. So friends, today I want to show you my painting artwork done on recycled bottle. As you can see that. And seriously friend, it's a very simple and easy to do. And it's a best corona activity also. मैंने अपना सारा अपना time इसमें अपना utilize किया है. ये सारी आपका शेक बॉटल, वाइन बॉटल, बियर बॉटल जितनी भी हमारे होम में आती हैं, फ्रिक्वेंटली आती हैं, हम यूज़ करते हैं, आप इनको फिर बाद में अपने अकॉर्डिंगली आप इनको डेकोर कर सकते हो अपने होम को, फेरी वर्ल्ड होम को आप अपने अकॉर्डिंगली ब्यूटीफुल बना सकते हो. सो आपका एज यू कैन सी दैट, सो फर्दर आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. If you are a new viewer, kindly like and subscribe my channel. So, आप एक बार आप इसका see and in fact you can give to someone your love also. जैसे like ये मैं bottle मैंने बनाई अपनी friend के लिए, इसकी November में marriage है, मैं उसको ये अपनी तरफ से उसको gift दूंगी. अच्छा लगता है कि आप आपने उसके लिए कुछ अपने hand से बनाई, feeling है जो मैं उसको दूंगी तो एक टची वाली फीलिंग आएगी, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है. बाकी अब सारा आप अपने इसमें देख सकते हो. सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर फर्स्ट बॉटल कलर ऑफ समर्स, मैंने उसको नेम भी दे दिया. एम्प्टी बॉटल, वाइट एक्रेलिक, सिंपल बेस कोट करेंगे वाइट से. इसमें यू कैन यूज़ एनी कलर, लाइक मैंने सारे लाइट समर्स कलर लिए हैं. सो फर्स्ट आई कैन ड्रॉ पैटर्न वो पेंट, देन एक्रेलिक कलर्स को आप बॉटल पे आप स्प्रेड कर लेंगे ओवरऑल, एंड ड्राई ब्रश से आप सारे इनको स्प्रेड मर्ज करेंगे वन बाय वन अपना आराम से. इनफैक्ट आप रोलिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, आप टेप करके देन सारी बॉटल को रोल आप करके बाद में वो टेप हटा सकते हैं. मैंने इसमें पहले ब्लू कलर किया था बट समहाउ मुझे ब्लू कलर क्लिक नहीं हुआ, देन मैंने चेंज करके इसमें पिंक कलर लिया. एंड देन ब्लैक आउटलाइनर, 3D आउटलाइनर, यू कैन यूज़ एनी आउटलाइनर, लाइक मेरे पास ग्लास बॉटल के आउटलाइनर रखा था, मैंने उसी को यूज़ कर दिया. सी फाइनली हमारा सेकेंड बॉटल ब्लैक, इसमें मैंने आपका मेड बंच ऑफ फ्लावर्स सारे. आपका एम्प्टी बॉटल ब्लैक बेस कोट एंड ऑल आपका कलर एक्रेलिक, नियॉन कलर, समरी कलर. फर्स्ट हम इसमें नॉर्मली फ्री हैंड स्टाइल में आप अपने फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे. यू कैन यूज एनी पैटर्न, एनी आपका जो भी आपको अच्छा लगता है. कैन यूज 3D आउटलाइनर बटरफ्लाइज में फॉर 3D लुक के लिए. सी बटरफ्लाइज में 3D आउटलाइनर, नाउ मॉडल इज रेडी बटरफ्लाई. एंड दिस इज आवर थर्ड बॉटल, इसको मैंने नेम दिया है आपका लव बर्ड बिकॉज ये न्यूली वेड कपल्स के लिए है. एंड कलर आप इसमें वाइट कलर मोर लुक गुड, बट एज ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ तो हर फेवरेट कलर लाइट पिंक, इसलिए मैंने इसमें पिंक बेस कोट दिया है. वाइट बेस कोट के बाद सेकंड मैंने अपना इसमें लाइट पिंक का कोट दिया है. देन 3D कलर रेड एंड ब्लैक, सिंपली मैं अपना फर्स्ट अपना पैटर्न ड्रॉ करूँगी. फर्स्ट साइड मैंने अपना पैटर्न ड्रॉ किया, देन सेकेंड साइड मैंने इसको ट्रेस किया विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग पेपर. आपकी चॉइस है आपको क्या आप, सो आप भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें भी मैंने ना 3D ही इसलिए यूज़ किया क्योंकि जस्ट मुझे इस बॉटल को थोड़ा सा आपका बिट 3D
लुक लेके आना था. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस 3D. अदरवाइज आप सिंपल एक्रेलिक कलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट मैंने पेंसिल से पैटर्न ड्रॉ करके देन ब्लैक आउटलाइनर से मैं उसको थोड़ा सा उसको डार्क कर रही हूँ बिफोर आपका आउटलाइनर यूज़ करने से पहले, ताकि मुझे एग्जैक्ट पता लग जाए कि मुझे कहाँ पे आउटलाइनर को यूज़ करना है अपने पैटर्न पे. सिंपल हार्ट लव इन द एयर बहुत सिंपल है यार, आप कुछ भी आप इसमें आप कर सकते हो. हम सारा से ओवरऑल कवर्ड कर लेंगे हार्ट से. आपके सेंटर के दो साइड में मैंने ये कपल्स ड्रॉ करे हैं, आपका फ्रंट एंड बैक, एंड ओवरऑल मैंने इसको हार्ट से कवर किया है. देन अभी मैं ब्लैक आउटलाइनर से कलर से हम अपने हाथ ड्रॉ कर रहे हैं. एंड फ्रेंड्स, 3D कलर यूजुअली 24 आवर्स लेते हैं आपका ड्राई होने में, तो आप अपना ये पैटर्न ड्रॉ करके आप बॉटल को साइड में 24 आवर्स के लिए आप रख देंगे. सी माय बॉटल इज़ रेडी. मैं बॉटल पे वार्निश यूज़ करती हूँ. आप स्प्रे या बॉटल किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपका बॉटल फॉर्म में मैंने यूज़ किया है. सी फाइनली माई बॉटल्स और बॉटल्स आर रेडी. So friend, I hope you like my work and enjoy my video. Thanks for watching and see you soon. Till stay happy, stay safe. Bye-bye.